नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक मामला सामने आया है। मामला है पुलिस द्वारा कस्टडी में एक युवक की पिटाई का, और ये पिटाई इस हद तक हुई कि युवक की मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी वजह के युवक को गिरफ्तार कर लिया, उसकी पिटाई की, और इतना पिटाई की कि इससे युवक की मृत्यु हो गई है। क्या है मामला? ये मामला है रोसड़ा का, रोसड़ा के पांचूपुर वार्ड नंबर 5 का, जहां के नगर परिषद कर्मी राम सेवक राम की मृत्यु पुलिस के द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने पर पुलिस कस्टडी में हो गई है। राम सेवक राम बताया जा रहा है कि वो अपने वेतन की मांग करने स्कूटी से गए थे, और वहाँ प्रशासन को बुला लिया गया जिससे वो मांग कर रहे थे, और वहाँ उस राम सेवक राम की बुरी तरह से पिटाई की गई। और यही नहीं, कई पत्रकारों को भी कहा जा रहा है कि उन पर भी कार्रवाई की गई है, जो आरोप है, जो इसका साथ दे रहे थे। साथ ही साथ जो 70 ग्रामीण हैं उन्हें भी नामजद बनाया गया है। तो ये जो पूरा मामला है इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि ये मामला बताया जा रहा है कि ये दलित जाति का युवक है जिसके लिए लोजपा राम विलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने चिराग पासवान के ने एक कमेटी बनाई, जिसमें के प्रधान महासचिव संजय पासवान के नेतृत्व में इस जांच कमेटी को बनाया गया, और जिसमें जो ये निर्देश था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का था, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के साथ साथ 5 सदस्यों की एक टीम गठित की गई, जो रोसड़ा गई। रोसड़ा में जाकर उसने मामले की जाँच की, और इस पूरे मामले में जो पता चला है वो यही है कि नामजद जो बनाया गया उसे प्रधान महासचिव संजय पासवान ने इस घटना पूरी घटना की कड़ी निंदा की है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। देखिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए दिन रात जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये शराब का धंधा, जो जहरीली शराब का धंधा चल रहा है, और माफिया से मिलकर धंधेबाजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे दर्जनों लोग आज के दिन मृत्यु हो गई जहरीली शराब से, कई के घर उजड़ गए, और उनको इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। ये घटना जो घटी है खास करके दलितों को टारगेट में रखकर, और जिस तरह से रोसड़ा में कांड हुआ है और पुलिस प्रशासन के पुलिस कस्टडी में राम सेवक राम की मृत्यु हो गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक के लिए मजदूरी, अपने वेतन का मांग किया था, और बुरी तरह से उनको पीटा गया, टॉर्चर किया गया। हम इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हम लोगों को जाँच कमेटी यहाँ भेजे हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, और जो रोसड़ा अनुमंडल के पत्रकार बंधु पर, जो देश के चौथा स्तंभ है, जिन पर फर्जी मुकदमा किया गया, निश्चित रूप से जब घटना घटती है, कोई कांड होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो पत्रकार बंधु वहाँ जाते हैं, उसका कवरेज करते हैं, और पुलिस की विफलता जाहिर ना हो, लोगों के बीच जाए नहीं, इसके लिए पत्रकार बंधु को मुकदमा में फंसाया गया है। तो हम सबसे पहले मांग करते हैं कि पत्रकार बंधु को अभिलंब इस मुकदमे से बरी करे, और 70 लोगों पर जो FIR दर्ज किया गया निर्दोष लोगों पर, उनको भी बरी करे, अन्यथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पदाधिकारी दूसरा में आकर बिल्कुल सरकार को नाके चने चबा देगी, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम इस घटना का रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। और आज हमको जानकारी मिला कि 3 महिला को भी बंदी बनाया, जो छतरी पूरा कर दिया। तो सुना आपने कि संजय पासवान ने साफ तौर से इस पूरे प्रकरण में ये बात कही है कि पुलिस की शराब माफियाओं के साथ मिली भगत है, और कई तरह के मामले में पुलिस पर आरोप लगाए। साथ ही साथ जो मृतक के परिजन हैं उन पर
उनके लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। और इस जांच कमेटी में प्रधान महासचिव संजय पासवान के अलावा पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र विवेक और सदस्य अभियान प्रभारी संजय रविदास, महासचिव विभूति भूषण पासवान और ओम प्रकाश पासवान, साथ ही साथ कार्यालय प्रभारी भी शामिल थे। तो ये जो है पूरा मामला ये रोसड़ा का है, समस्तीपुर के रोसड़ा का, जहाँ के जांच किया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टीम ने। और इनका आरोप है कि पुलिस की ज्यादती की वजह से ही मृतक की मृत्यु हुई है और ऐसे में 25 लाख रुपया वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देखें तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।